Islam, awesome audience, good morning. आप लोग भी enjoy कर रहे होंगे, I'm enjoying traffic as usual. वैसे तो I'm not an app person, ये जो Google Map और Apple Maps, सही ना? From Karachi to Texas, मुझे तो रास्ते याद रहते हैं, अमूमन, सही ना? 90-95%. So I'm not an app person. लेकिन just to share one app with you guys, जो अभी एक app आई है. और वैसे तो ये बाकी गूगल ऐप्स और एप्पल मैप्स ये सब भी आपको बता देती हैं लाइव ट्रैफिक और एफिशिएंट रूट, स्मार्ट राउट्स बता रही होती हैं आपको. लेकिन ये जो ऐप है, ये वेज नाम से जो है, ये आपको ये भी बता रही होती है लाइव कि वेयर इज़ द ट्रैफिक पुलिस, वेयर इज़ द कॉप स्टैंडिंग. यानी अब अगर लेट्स से अलाउड लिमिट इज 80 माइल्स एन आवर और आप 90-100 चला रहे हो जो नॉर्मली लोग चलाते हैं, लेकिन अब आगे वो लेट्स से पुलिस खड़ी है विद रडार, तो अब तो बड़ा मुश्किल है ना, फाइन वो टिकट मिलेगा. तो ये ऐप आपको पहले से ही बता रही होती है कि आफ्टर 2 or 3 miles इज अ कॉप स्टैंडिंग. तो अब सवाल ये है कि इस ऐप को पता कैसे चलता है. तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई वो सैटेलाइट से देख रहे होते हैं, उससे पता चल रहा होता है, इतना लाइव चेक कर रहे थे कि पुलिस खड़ी है, जबकि ऐसा है नहीं, सही है ना? अच्छा, ये तो मैंने एक मिसाल दी है कि भाई जैसे मैंने पुलिस की एग्जाम्पल दे दी, ऐसे और बहुत सारी चीज़ें कि भाई वो कहीं छोटा मोटा रोड टूटा हुआ भी होगा तो वो भी बता रहा होगा कि भाई ये फलाना टायर वहाँ पड़ा है, इतनी चीज़ें, ये इतना लाइव अपडेट आपको कर रही थी यूज़र्स को. तो वो जो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रही है वो ऐप और वो यूज़र्स को दे रही है, दोज़ हु आर यूजिंग दिस ऐप, वो इन्फॉर्मेशन भी यूज़र्स से ही ले रही है. जैसे मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैंने देखा कि भाई पुलिस यहाँ खड़ी है, तो मैं फ़ौरन इधर अपडेट कर दूंगा विद अ क्लिक कि भाई द पुलिस इज़ हियर. तो वो उसी वक्त वो चेक कर लेगी कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया पे पुलिस खड़ी है, तो वो पीछे जितने भी यूज़र्स आ रहे होंगे उन सबको अपडेट कर देगी कि भाई पुलिस स्टैंडिंग देयर, सही ना? जो 2 miles पीछे होंगे, 3 miles, 1 mile. अब जितने लोग आ रहे होंगे फिर उनसे भी ये रेगुलरली फीडबैक लेगी कि स्टिल पुलिस देयर, तो लोग यस नो का ऑप्शन आ रहा होगा, यस यस यस. अच्छा, जहाँ पे वो उस पुलिस ने हटना और फिर किसी यूज़र ने क्लिक कर देना है कि नाउ देयर इज़ नो पुलिस, तो उसके बाद उसने अपडेट कर देना है कि भाई यहाँ से पुलिस माइनस हो चुकी है. अच्छा, उसके बाद वो बाकायदा इस इन्फॉर्मेशन देने के, बिकॉज द यूजर्स आर प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन, सही है ना? बड़ी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो यूजर्स को इस इन्फॉर्मेशन देने के बाकायदा रिवॉर्ड पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें भी, इवन आपको फीडबैक भी देते हैं कि जैसे अगर मैंने अलर्ट किया कि द पुलिस स्टैंडिंग देयर, तो मुझे आगे जाके वो बताएगी कि भाई हाउ मेनी यूजर्स गॉट द बेनिफिट, कि आपके इस बताने से कितने लोगों को पीछे और फ़ायदा पहुँचा है, सही है ना? तो ये भी इसी तरह आप देखें कि इन्फॉर्मेशन जिस तरीके से गैदर कर रहे हैं ये स्मार्टफोन्स हमारे. मुझे एक अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल, एक वाक्य याद आ गया. लास्ट ईयर व्हेन आई वाज इन डैलस, अभी भी डैलस में ही हूँ, लेकिन लास्ट ईयर एक टेम्प्रेरी प्रोजेक्ट में था, तो आई थिंक 3 to 4 months आई वाज हियर. तो हर हफ्ते हम लोग फ्रेंड्स के साथ जुमे की नमाज़ पर जाते थे, तो मुझे ले जाते थे. अच्छा, जब वो मुझे लेके जाते थे तो मुझे ये रास्ता याद करने की सब, अदरवाइज मैंने अभी आपसे कहा ना कि मुझे सबसे पहले रास्ता याद करना होता है, आई डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन दीज ऐप्स, मुझे खुद वो रास्ता याद करना होता है. लेकिन जब वो मुझे लेके जाते थे तो इतनी ज़रूरत नहीं थी, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि किस मस्जिद में वो ले जाते. तो एवरी वीक वी यूज टू गो. तो एक हफ़्ता ऐसा हुआ कि आई थिंक आई वॉज लेट और वो लोग ज़रा जल्दी चले गए. अब मैंने कहा मैं क्या करूँ यार, सही है ना? तो मैं आके गाड़ी में बैठा, वैसे तो बहुत इजी था कि ज़ाहिर है मैं कर सकता था मस्जिद नियर मी या मॉस्क नियर मी, जो कुछ भी ये सब हो सकता था, लेकिन अब मैं ऐसे बैठा हूँ एंड इट वाज आई थिंक 2 PM 2:30 इस तरह का टाइम था. तो ये खुद मुझे, जब मैंने ऐप मैप पे गया हूँ एप्पल मैप पे, तो ये खुद मुझे कहने लगा कि टू एक्स वाई जेड लोकेशन इज़ जस्ट 10 minutes फार. यानी कि वो ये नहीं लिख रहा कि इट्स मस्जिद, वो सिर्फ एक प्लॉट का नंबर, एक लोकेशन बता रहा है कि भाई यू आर 10 minutes फार. अच्छा, मैंने उस डायरेक्शन को फॉलो किया, वो मुझे उधर ही ले गया मस्जिद पर. यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये हर हफ्ते, क्योंकि द सेल फोन वॉज इन साइड माई पॉकेट, तो ये तो ज़ाहिर है और हर वक्त 3G 4G LTE ये तो चल ही रहा होता था, तो ये ट्रैक कर रहा था, यानी मेरे उस प्रैक्टिस को देख रहा था, मेरे बिहेवियर को देख रहा था, पास्ट प्रैक्टिस को, कि हर हफ्ते ये शख्स 2:30 बजे के टाइम पे इस पर्टिकुलर लोकेशन से उस लोकेशन तक जाता है. इसको नहीं पता वो मस्जिद है, लेकिन इस लोकेशन पर ही बंदा जाता है, तो मुझे गाइड करके उधर ले गया. अच्छा, जब मैंने नमाज़ पढ़ ली, ठीक 15-20 मिनट बाद ये मुझे कहने लगा कि भाई टू फलाना, जहाँ से जो मेरा ओरिजिन था, सही ना, जो मेरा वर्क प्लेस, उधर का ही मुझे डायरेक्शन बताने लगा. यानी इसका मतलब इसे ये भी पता है कि ये शख्स कितनी देर नमाज़ पढ़ता है, सही देखे ना? थोड़े दिनों में ही पहचान लेता है दिस इज़ योर होम, दिस इज़ योर वर्क,
दिस इज योर प्रेयर प्लेस, हर चीज इसको पता है. दिस इज योर एंटरटेनमेंट प्लेस, सब कुछ इसको पता है. इसे पता था 2:30 पे इस शख्स ने यहाँ से वहां जाना है, और 2:30 के बाद 2:45 पे एवरी वीक ही कम्स बैक. तो इसका मतलब ये कि मुझे तो ऐसा लगता है ये स्मार्टफोन जो है ना, ये शायद हमारे पेरेंट्स से भी ज्यादा हमें जानते हैं, हा? या हमारे रिलेटिव से, नियर वंस, लव वन, डियर वंस, या हमें अपने आप से भी ज्यादा जानते हैं ये. इस तरीके से ये हमारी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं. चले अपना ख्याल रखें, मुझे भी ट्रैफिक इंजॉय करने दें, एंड यू हैव अ वेरी रिवॉर्डिंग वीक. थैंक यू.